अब हम प्रश्न नंबर दो को हल करते हैं। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। 4.26 को देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4.26, यानी ये बार का निशान है, यानी बार बार हो रहा है, पुनरावर्तन हो रहा है, इसलिए 26 26 लिख देते हैं। पर हमको सिर्फ 4 अंकों तक ही देखना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये चार, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5। तो ये 4 और 5 के बीच में संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 किस किस के बीच में आया है ये? तो 4 से ये ज़्यादा है, क्योंकि 4.26 है, तो 4 से ज़्यादा हुआ, 5 से कम हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं संख्या रेखा पर आगे दर्शाते हैं, 4 और 5 के बीच में संख्या कौन कौन सी आती है। तो 4 और 5 के बीच में संख्या, हाँ, यहाँ पर लिखते हैं 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10। तो 4.10 हम लिखते नहीं है, तो कितना लिखेंगे हम? 5 लिखते। इस तरह से 4.9 के बाद कौन आता है? 4.5 आता है। हम यहाँ देखते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक देखते हैं, तो 4.26, ये है 4.20 और ये 4.30, ऐसा समझते हैं यहाँ पर रख करके। तो इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं, तो 1 अंक अधिक देख लेने का है। अधिक देखा हमने, अब 4.2 के बाद 4.3 के बीच की ये संख्याएं हैं। यहाँ से लिखते हैं 4.20, समझते हैं, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। यहाँ देखते हैं किसके बीच में है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 26 है, लेकिन 26 के बाद यानी 2 लोअर लिखा, यानी 26 से ज़्यादा है, लेकिन 27 से कम है। तो इसका भी आगे कर देते हैं, इन दोनों के बीच की संख्या निकाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, सॉरी, 4.269 और 4.270। किन दोनों के बीच में संख्या है? तो यहाँ देखेंगे 262, ये 262, इससे पीछे 6 लिखा है, यानी कि 263 के बीच में है। संख्या रेखा पर हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। कितना कर चालू करते हैं यहाँ से? 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625,
4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। तो ये संख्या कहाँ पर है? तो ये संख्या यहाँ पर है, इस संख्या रेखा पर हमने दर्शाया। प्रश्न नंबर एक है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट के आगे तीन संख्या है, तो संख्या रेखा पर हम बनाते हैं आप संख्या रेखा, तो 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमने संख्या रेखा पर दर्शाया। अब देखोगे ये 3 से तो ज़्यादा संख्या है, 3 से ज़्यादा है मतलब, पर 4 से कम है, तो ये 3 और 4 के बीच में संख्याएं आएंगी। तो कहाँ पर होगी? ये 3 और 4 के बीच में। अब हमको संख्या रेखा पर इन दो अंकों को दर्शाना है। दो अंक देखते हैं, यहाँ पर हम 3 लिखते हैं और यहाँ पर 4, यहाँ लिखते हैं 3.1, इधर 3.2, इधर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पर हो जाता है 4। अब यहाँ पर देखते हैं तो 3.7 है, तो 3.7 ये रहा, और 3.7 ये इसको देखेंगे दो अंकों को, तो 76 ये है, 3.7 ये 3.8, इन दोनों के बीच में ये संख्या आने वाली है, जानते ही है। अब हम तीन यहाँ पर दो अंक का विस्तार लेते हैं दशमलव के बाद, यानी कि आगे का एक अंक और पीछे के दो अंक, तो यहाँ पर संख्या रेखा भी और बनाते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 3.7 यानी कि 70 से, यहाँ करते हैं 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और यहाँ हो गया 3.80। अब यहाँ पर देखने के लिए हम पूरा देखते हैं, तो ये है 3.76 और ये है 3.77, तो इन दोनों के बीच में ये संख्या आएगी। अगर हम इसको रखेंगे 3.760, 3.770, 765 है, तो इन दोनों के बीच में ही आने वाली है, तो हम यहाँ पर इन दोनों का विस्तार करते हैं। ये दो नीचे संख्या बताते हैं, यहाँ पर संख्या रेखा बना दी, यहाँ पर कहाँ से चालू करते हैं, 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770।
इस तरह से हमने ये दर्शाया। अब हमको ये देखते हैं संख्या पर कहाँ पर है, तो संख्या पर ये कहाँ है, तो संख्या पर 63 है, ये रहा। इस तरह से ये हमने दर्शाया संख्या रेखा पर 363 कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर। आवर्धन का मतलब होता है लेंस, लेंस की सहायता से आप देख सकते हैं। तो लेंस की सहायता से हमने नहीं देखा, लेकिन अपने पास लेंस नहीं है, इसके लिए इसके संख्या रेखा पर हमने दर्शाया। लेंस बनाना हो तो इस प्रकार से लेंस भी बना सकते हैं, ये हमारा लेंस हो। अगला सवाल सीखते हैं।